हे गाइस, आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा जा रहा हो एंड आप सब अपने घर पे सेफ हैं इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान. लेकिन इसका मतलब ये नहीं बनता कि आप सबको एंटरटेन करना मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि इस बार हम लाए हैं एक नई वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं वो चीज़ों की जो आपको एक पुरानी गाड़ी खरीदते हुए याद रखनी है. बट शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक थैंक यू बोलना चाहूँगा. थैंक यू सो मच, क्योंकि अब फाइनली मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का व्यूइंग टाइम कंप्लीट हो चुका है, जिसकी वजह से अब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है. एंड ये सब आप सबकी वजह से ही हुआ था. अगर आप व्यूअर्स मेरे सपोर्ट के लिए नहीं होते तो ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं थी. थैंक यू सो वेरी मच. एंड आई प्रोमिस कि जैसे अब तक चलता आ रहा था, आई वुड नॉट चेंज इवन अ सिंगल बिट. आपके लिए बेटर क्वालिटी कंटेंट और बेटर कंटेंट लाता रहूँगा मैं. सो थैंक यू सो वेरी मच. एंड एक प्रॉमिस मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि जो भी मेरे को मनी अपने मोनेटाइजेशन के थ्रू मिलेगा, उसका कुछ पार्ट मैं हमेशा चैरिटी के लिए दूंगा. जैसे कि अभी ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो पीएम केयर के अंदर मैं थोड़ा सा अपना मनी ज़रूर डोनेट करूँगा. थैंक यू सो वेरी मच. बट अब चलते हैं वीडियो की तरफ. अब सबसे पहले बात करते हैं कि आपको गाड़ी लेनी कहाँ से चाहिए, क्या उसके प्रोज है, क्या उसके कॉन्स हैं. अब आपके पास यूजुअली दो ऑप्शन होते हैं. या तो आप किसी डायरेक्टली प्राइवेट किसी बंदे से लेने चले जाओ जो गाड़ी खुद बेच रहा हो, या फिर आप किसी डीलर के पास जाओ. अब हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो अब उन्हें डिस्कस करते हैं. किसी डायरेक्टली कस्टमर से लेने से आपको जो प्रो है वो ये है कि आपको 10-15 हज़ार गाड़ी सस्ती मिल सकती है, वो भी कभी कभार, क्योंकि जब कोई बंदा गाड़ी बेचता है तो वो ऑब्वियसली पूरी मार्केट में रिसर्च करके ही उसका प्राइस डालता है. तो बहुत रेयर चांसेस है कि आपको गाड़ी सस्ती मिलेगी, लेकिन फिर भी चांसेस हैं. जो दूसरा उसका कौन है वो ये है कि हमें आपको ये नहीं पता कि वो ट्रस्टवर्दी इंसान है या नहीं. डीलर से लेने का प्रो कभी कभार ये हो जाता है कि अगर कोई रेप्यूटेड डीलर होता है तो वो आपको कभी कभार कार के ऊपर कुछ गारंटी भी दे देती है कि अगर इस इतने दौरान के बीच में आपको कुछ प्रॉब्लम आई कार में तो हम उसको ठीक करा के देंगे, या ऐसा कुछ भी मिलता है. तो डीलर से लेने का प्रो तो ये है. कौन उसमें ये है कि आपको गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स अगर होंगे तो डीलर उनको यूजुअली छुपाने की कोशिश करते हैं, या फिर उसका मीटर रिवर्स करवा देते हैं, या ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स. अब ये सब प्रॉब्लम्स से कैसे टैकल करना है वो हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं. तो अब उसके बारे में बात करते हैं. तो अब आपने चॉइस कर ली है कि आपने कहाँ से गाड़ी लेनी है, डीलर से या किसी प्राइवेट बंदे से, वो आपके ऊपर है. लेकिन अब मैं आपसे बात करूँगा आपका बिहेवियर कैसा रहना चाहिए गाड़ी लेने के लिए. हाँ जी, बिहेवियर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि उससे प्रेडिक्ट होता है कि आपको गाड़ी के बारे में नॉलेज कितनी है. क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है और आपसे ज़्यादा पैसे ले लेगा. इसीलिए आपको जो भी आपने गाड़ी लेने जानी है वो बिफोर हैंड घर से उसके बारे में सब कुछ पढ़ के जाइए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी 2011 कार है, 2011 स्विफ्ट डिज़ायर. तो अब अगर आपने मन बना लिया कि आपने 2011 स्विफ्ट डिज़ायर मॉडल लेना है, तो घर से पढ़ कर जाइए कि ये गाड़ी के अंदर मेजर प्रॉब्लम्स आती क्या क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल, डीजल कार्स के अंदर, पेट्रोल कार्स के अंदर थैंकफुली मारुति की कार्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन 2010 से लेकर 2012 के बीच में जितनी भी डीजल मारुति सुजुकी डिजायर्स बनाई गई थी उनके अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि डीजल कार में गाड़ी नॉर्मली चलते चलते एकदम से इंजन बंद हो जाता है. ये आपको अगर आप किसी फोरम वगैरह पे पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिलेगा. बहुत सारे कस्टमर्स को इस रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती है. तो इसीलिए आपको कोई भी गाड़ी अगर लेने जाना है तो आपको उसके बारे में सब कुछ पढ़ के जाना है कि उसके अंदर मेजर इश्यूज आते क्या क्या हैं. अगर आप ऐसे पढ़कर जाएंगे तो आप डीलर या प्राइवेट बंदे जिसके पास भी आप जाएंगे, अगर आप उनसे ये नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपको इस कार में वो प्रॉब्लम तो नहीं आई थी, जैसे कि आपने माइंड बना लिया कि आपको 2011 स्विफ्ट डिज़ायर चाहिए, तो अगर आप किसी के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि डिज़ायर के अंदर नॉर्मली ना एक प्रॉब्लम आती है कि वो एकदम से चलते चलते डीजल इंजन ना उसका बंद हो जाता है, तो उससे डीलर या प्राइवेट बंदे को ये लगेगा कि आपको कार्स के बारे में पता है और वो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो एक काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है और एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है मीटर रिवर्सल की. तो अब हम बात करेंगे उसको डिडक्ट करना कैसे है. इसको हम डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में. फर्स्ट मेथड होगा उन गाड़ियों के लिए जो 40,000 किलोमीटर से कम चली हुई हैं, और दूसरा मेथड वैसे जनरली हर किसी गाड़ी के लिए ही यूज़ हो जाता है लेकिन वो इतना श्योर शॉट नहीं है. जो फर्स्ट मेथड है जो कि 40,000 किलोमीटर से कम चली हुई गाड़ियों के लिए है वो ये है. फॉर एग्जांपल, आप 2015 कार ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको देखने हैं उस कार के अंदर जो टायर्स लगे हुए हैं
उनका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, वो देखना मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन उससे होगा क्या कि आपकी जो 2015 कार होगी उसके अंदर 2015 या फिर 2014 ईयर के मैन्युफैक्चर टायर्स लगे होंगे फैक्ट्री के थ्रू। इसी वजह से आपको श्योर शॉट पता चल जाए कि हाँ ये कार फैक्ट्री टायर्स के साथ ही है, इसीलिए ये 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा तो नहीं चली हुई और इसका मीटर रिवर्स नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग टायर देखते कैसे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है 4612। हर एक टायर मैन्युफैक्चरिंग का अलग होता है प्रेजेंट करने का तरीका। जैसे MRF के टायर में यहाँ पर एक डब्बे में 4612 लिखा हुआ है, किसी और टायर मैन्युफैक्चरर क्या पता अलग फॉन्ट यूज़ करे, लेकिन किसी ना किसी फॉन्ट में आपको एक डिफ्रेंशिएबल पता चल जाएगा कि ये 4612 है। 4612 का मतलब ये है कि ये कार 1 to N में जो 1 to है ये 2012 में मैन्युफैक्चर टायर है, और 4-6 का मतलब है ये उस ईयर के 46th वीक में ये टायर मैन्युफैक्चर किया गया है। एक ईयर में 52 वीक्स होते हैं, तो ये टायर 46th वीक के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ है। तो ये होता है कि कैसे देखना है एक टायर के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको 2015 ह्युंडई वर्ना लेनी है तो उसके अंदर जो टायर होगा या तो वो 15 सेंड होता होगा या फिर 14 सेंड होता होगा, तो ये चीज़ पे ध्यान देना। अब बात करते हैं मेथड टू की। ये मेथड इतना श्योर शॉट नहीं है, लेकिन मैंने एक ब्लॉग पे पढ़ा था कि ये काफ़ी लोगों के लिए काम किया है, तो हम बात करते हैं उसकी। उसके लिए हमें गाड़ी के अंदर बैठना पड़ेगा। तो अगर हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं, हमें देखना क्या है, गाड़ी को स्टार्ट करना है, और अगर मीटर पे ध्यान दें यहाँ पर, तो इसका जो RPM मीटर है और स्पीडोमीटर, हमें दोनों मीटर के ऊपर ध्यान देना है। RPM मीटर तो तब अगर, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल इस देता हूँ, तो अगर आपकी ये जो सुई है ये वाइब्रेट करते हुए ऊपर उठती है, तो मतलब ये बनता है कि आपकी मीटर के साथ किसी ने छेड़छाड़ कर रखी है। वैसे ही अगर आपका RPM मीटर बिल्कुल स्मूथली ऊपर जा रहा है, जैसे इस गाड़ी का जा रहा है, लेकिन आपका स्पीडोमीटर आपका जो है वो वाइब्रेट करते हुए उसकी सुई ऊपर जा रही है जो स्पीड बताता है, तो भी उसका मतलब यही बनता है कि आपके मीटर के साथ किसी ने छेड़छाड़ कर रखी है। तो जैसे कि आपने देखा कि मेरी जो RPM की सुई है वो बिल्कुल स्मूथली ऊपर गई, मतलब मेरे मीटर के साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं कर रखी। और वैसे ही जब हम गाड़ी चलाएंगे तो मैं आपको स्पीडोमीटर भी दिखा दूंगा, ये स्पीडोमीटर बिल्कुल स्मूथली ऊपर जाएगा। लेकिन अगर किसी के मीटर के साथ किसी ने छेड़छाड़ कर रखी है, तो बहुत हाई चांसेस हैं, ध्यान दीजिए, चांसेस हैं कि आपका मीटर जो है किसी ने छेड़ रखा है। तो ये थी मीटर रिवर्सल की बात। जैसे कि मैंने कहा, काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है आजकल, इसलिए इसे डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब बात करते हैं कुछ और मिसलेनियस प्रॉब्लम्स की जो कार्स में होती हैं। उनको डिटेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले खोलना होगा अपना इंजन पे। तो अगर आप इंजन में भी यहाँ पर देखें, जैसे कि अब मेरा इंजन भी इतना साफ़ सुथरा नहीं है, लेकिन अगर आप किसी डीलर के पास जाएंगे या किसी ऐसे बंदे के पास जो अपनी गाड़ी बेचना चाहता है, वो अपने इंजन बे को बिल्कुल साफ़ करके रखेगा, तो उसके अंदर अगर कहीं पे भी ऑयल लीक्स वगैरह होंगे तो आपको नहीं पता चलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जहाँ पर भी गाड़ी के कनेक्शंस हैं वहाँ पर एक बार हाथ लगा कर देख लीजिए। अगर आपको कहीं पर भी लगे कि आपका हाँ इंजन लीक हो रहा है कहीं से, तो आपको उससे पता लग जाएगा कि हाँ इस इंजन में कहीं पर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जहाँ मेनली लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, वो गाड़ी के टायर सस्पेंशन, वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो उसको चेक करने के लिए आपको अपना फ़ोन निकालना होगा, उसकी फ्लैशलाइट ऑन करो और आप कार के नीचे एक्चुअली देखो। अब मैं अपने फ़ोन से शूट करके आपको एक बार वो अपनी वीडियो में दिखा दूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं उसको कैसे चेक करना है। तो आपको करना ये है कि आप अपना कैमरा ऐप ओपन करो, उसके अंदर वीडियो सेटिंग्स ऑन करो और उसके अंदर फ्लैशलाइट को ऑन रखो और पूरी कार के अंडर साइड का एक वीडियो बना लो, जैसे कि मैं बना रहा हूँ। और अब मैं आपको दिखाता हूँ वो वीडियो दिखती कैसी है। कार के अंडर आपको चीज़ें देखनी क्या क्या हैं, आपको सस्पेंशन के आसपास देखना कि कहीं ब्रेक फ्लूड आपका रिलीज़ तो नहीं हो रहा है, कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है, या फिर मेन जो प्रॉब्लम आती है वो जंग लगने की होती है। अगर आपकी कार ज़्यादा पुरानी अगर आप ख़रीद रहे हो, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नीचे अंडर साइड पर कहीं ना कहीं जंग लगी हो। अगर वो चीज़ है तो आप उस कार को लेने से अवॉइड करें। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, जो एग्जॉस्ट पाइप के आसपास अगर आपको जंग दिखती है तो वो एक बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एग्जॉस्ट पाइप से एसी के थ्रू या गाड़ी के जितने भी जगह से पानी निकलता है वो एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू ही निकलता है, तो वहाँ पर जंग लगना बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन एग्जॉस्ट पाइप में भी आपको होल्स वगैरह की दिक्कत देखनी पड़ेगी। अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि यहाँ पर होल हुआ है या कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम लगे, तो उस कार को लेने से अवॉइड करें।
तो अब है टाइम गाड़ी को टेस्ट ड्राइव पे लेके जाने का। टेस्ट ड्राइव के दौरान आपको जो चीजें ध्यान रखनी है अब मैं वो आपको बताने लगा हूं। लेकिन उससे पहले जो आपको एक चीज नोटिस करनी है वो ये है कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो और जब आप रेस देते हो तो गाड़ी का जो एग्जॉस्ट है उसमें से जो स्मोक आती है उसका कलर क्या है। अब जो पेट्रोल कार्स हैं उनके अंदर ज़्यादातर स्मोक नहीं दिखती। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ये कार पेट्रोल है तो जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा जैसे कि आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं इसमें से कोई स्मोक नहीं आ रही, हालांकि मैं गाड़ी को रेव भी कर रहा हूँ। लेकिन जो डीजल कार्स हैं उनके अंदर ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जब आप गाड़ी के अंदर एक्सेसिव रेस देते हो तो कभी कभार उसके अंदर पीछे एक ग्रेइश कलर की स्मोक आ जाती है, तो वो एक काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। लेकिन अगर वो ग्रेइश ब्लैक हो रही है या बिल्कुल कार्बन ब्लैक कलर है तो आपके गाड़ी के इंजन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उसको ज़रूर चेक करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको अपनी कार को स्टार्ट करना और उसमें रेस देना बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ ज़रूर चेक करिएगा। लेकिन हाँ, अगर एग्जॉस्ट पाइप में से पानी निकलता दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके सिर्फ एसी या गाड़ी के जो बाकी चीज़ें हैं जिनमें से पानी निकलता है सिर्फ उसी का पानी है, वो एक ज़रिया है उसको निकालने का, तो पानी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको स्मोक ज़्यादा ब्लैक है या कोई आपको डिफरेंट कलर टाइप के दिख रहा है तो आपको इंजन चेक करवाने की ज़रूरत पक्का पड़ेगी। अब आता है गाड़ी चलाने का टाइम। अब जब गाड़ी चला रहे हो तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली ये है कि आपको गाड़ी चलाने में कैसी लग रही है, आपको गाड़ी कंफर्टेबल है या नहीं, आपको गाड़ी चलने में कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है, एकदम स्मूथ राइड आ रही है या नहीं, आपकी गाड़ी की हैंडलिंग कैसी है, आपके सब कुछ आपके पसंद के हिसाब से है या नहीं, वो सब चीजें देखनी तो जरूरी है ही है ऑब्वियसली। उसके साथ साथ जो आपको देखना है वो ये है कि आपको गाड़ी के अंदर जितने भी बटन है सब दबा कर देखो, वाइपर चल रहे हैं या नहीं, हेडलाइट्स चल रही हैं या नहीं, एसी ढंग से काम कर रहा है, इफेक्टिव है या नहीं, रेडियो की वॉल्यूम फुल करके देख लो, देखो स्पीकर्स ढंग से काम करते हैं या नहीं, कहीं स्पीकर्स फट तो नहीं रहे, तो वो सब चीज़ें आपको देखनी बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही साथ जो आपको और चीज़ें देखनी है वो ये है कि आपको गाड़ी एकदम से फर्स्ट गियर में डालो और पूरी रेस देकर देखो गाड़ी की पिकअप कैसी है, वो देखते हुए थर्ड गियर के अंदर देखो अगर आप हाई आरपीएम पे लेके जाते हो गाड़ी की पिकअप कैसी आ रही है, कहीं पे गाड़ी लैग तो नहीं कर रही, कहीं बबल तो नहीं हो रही गाड़ी, ये सब चीजें देखनी बहुत जरूरी है। उसके बाद जो आपको अगली चीज देखनी है वो ये है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो कहीं पे अगर आप रेड लाइट पे रुके हुए हो तो आपको ये चीज नोटिस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी गाड़ी अभी रोकूं तो आपको देखना है कि जो बीच में अभी आपका जो आरपीएम मीटर है आरपीएम पे आरपीएम आ कितनी रही है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं मेरी एक पेट्रोल कार है तो इसीलिए आरपीएम 1000 से काफी नीचे आ रही है। अगर आपकी डीजल कार है तो डीजल कार के अंदर जनरली आरपीएम थोड़ी हायर रहती हैं, तो ये 1000 से थोड़ी ऊपर होगी। यहाँ पर आपको देख सकते हैं या तो 1000 होगी या 1000 से थोड़ी ऊपर, जैसे कि अभी नीडल आ रही है वहां पर होगी। अगर आपकी इससे ज्यादा आरपीएम आ रही है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1000 से ऊपर आरपीएम आ रही है, चाहे वो डीजल कार हो चाहे वो डीजल पेट्रोल कार हो, जब आपने रोकी हुई है गाड़ी, तो मतलब कि आपका जो इंजन है वो फालतू में एक्स्ट्रा काम कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी फ्यूल इकोनॉमी पे फर्क पड़ सकता है और इसको चेक करवाने की जरूरत है। बट ये चीज ध्यान में रखिए कि ये तब है जब आपका इंजन गर्म हो चुका है। जब आप गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट करते हो तो आरपीएम जनरली हायर रहती है, क्योंकि इंजन को अपने आप को गर्म करना होता है उस टाइम पे। इसे जब आप गाड़ी 5-6 किलोमीटर चला चुके हो तब आपको गाड़ी रोककर ये चीज देखनी है। तो अब आपने ले ली है टेस्ट ड्राइव और आपको ये गाड़ी बहुत पसंद आई, आपने मन बना लिया कि मेरे को यही गाड़ी चाहिए, तो अब आती है बात कि आपको बेस्ट प्राइस लेना कैसे है। आप अच्छे से रिसर्च करके जाओ कि आसपास उनके अलावा और कौन से डीलर्स हैं। फॉर एग्जांपल आप डीलर ए के पास जाते हैं और आपको 2 लाख का प्राइस डीलर ए से मिलता है, आप उनको बोलिए कि मैंने डीलर बी से भी बात कर रखी है, वो मेरे को एक थोड़ा 1,80,000 का बिल दे रहे हैं, वो थोड़ी सस्ती दे रहे हैं, तो मैं एक बार उनके पास भी उनकी गाड़ी टेस्ट ड्राइव करने जा रहा हूँ, मैं आपको 1-2 दिन तक बताता हूँ। तो जैसे ही आप उनके डीलर को आप छोड़ेंगे ना, वो आपका नंबर ज़रूर ले लेंगे, उस टाइम पर आपको वो आपको खुद कॉल करेंगे और आपको वो बोल देंगे कि भाई ये प्राइस हम भी दे सकते हैं या इससे सस्ता थोड़ा हम प्राइस दे सकते हैं, तो इसके चांसेस हैं कि आपको 2 लाख से कम वो प्राइस मिल जाएगा। इसीलिए ये एक थोड़ी नेगोशिएशन ट्रिक है जो आप लोगों के काम आ सकती है। अब ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद जैसे कि मैंने बताया ये एक प्राइम टाइम है यूज्ड कार लेने का, क्योंकि यूज्ड कार के प्राइसेस काफ़ी कम आने वाले हैं। और अगर आपको इसका रीज़न जानना है तो आप एक मेरी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने अपने चैनल पर बना रखी है कि हाउ COVID-19 विल बी अफेक्टिंग द कार मार्केट, तो उसकी मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और एक आपके इंफोटेनमेंट डिस्प्ले पे अभी दिख जाएगी।
तो अगर आपको वो जानना है तो वो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने व्यूज़ बताऊं कि मैं अपने माइंड में क्यों एक यूज्ड कार खरीदूंगा एक न्यू कार के बदले, तो वो अगर आप चाहते हैं तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं उसकी अगली वीडियो बना दूंगा। तो ये था कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको एक यूज्ड कार खरीदने के लिए जो काम आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी या नहीं, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।